हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ट्रांसपेरेंट लोगो कैसा बना सकते हैं। दो ऐसे टिप्स है जैसे कि मतलब लोगो तो बना लेते हैं पर उसके अंदर जो स्लोगन नीचे लिखते हैं ना, तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने में कभी कभी वही वाइट हो जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको बिना बैकग्राउंड हटाए ट्रांसपेरेंट लोगो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर आर्ट को खोलते हैं, यहाँ पर जाएंगे प्लस पे एडिट, एडिट पे जाने के बाद बैकग्राउंड में चूज करेंगे और बैकग्राउंड में वाइट के बगल वाला जो है ना, और ये बहुत सारा कलर का बगल वाला, उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे से साइन कर देंगे और इसे गैलरी में हम सेव कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करके गैलरी, तो हमारा ट्रांसपेरेंट लोगो बन गया। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ये बन गया। और एक बताते हैं, आपने अगर ऐसा लोगो बना रखा है और इसका बैकग्राउंड हटाना है तो कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इरेजर, एक इरेजर नाम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको लोड ए फोटो पर जाना है और यहाँ से आपको कोई भी गैलरी में से फ़ोटो लेना है। मैं पिक्चर आर्ट में जाता हूँ और इसे लेता हूँ। इसे लेने के बाद यहाँ से डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटो पर जाना है और यहाँ पे ये वाला ले जाकर क्लिक कर देना है। देखिए हो गया, और हमको बी और ए जो है ना बीच में वाइट गैप रह गया तो उसको करना है। ले जाकर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर बीच वाला नहीं करेंगे तो उतना दूर वाइट आएगा। और मैं अगर इसके नीचे स्लोगन लिखता तो बहुत छोटा रहता, उसको करने मुश्किल होता है, तो आप पिक्चर आर्ट से कर लेते हैं। अब इसको मैं डन कर देता हूँ, अब सेव कर देता हूँ, फिनिश। अब मैं इसे गैलरी में खोलता हूँ। इधर में गए, देखिए ये हमारा ट्रांसपेरेंट लोगो बन गया। चलिए इसे वीडियो में डालकर देखते हैं। इसमें नाम दे देते हैं, वीडियो आ गया। हम यहाँ पर लोगो डालते हैं। एक ए वाला लोगो डालते हैं। ठीक, मैं दोनों लोगो डाल कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ दिखाने के लिए कहीं भी इसको लोगो डाल देता हूँ जिससे ट्रांसपेरेंट लगे। देखिए ये लोगो काम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।